कुछ चैप्टर्स में हमने पढ़ा है कि मोशन क्या होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन किस वजह से होता है कॉजेज क्या है मोशन की कॉजेस क्या होते हैं ग्रेविटेशन के सो द अनदर कंसेप्ट दैट हेल्प अस अंडरस्टैंड इंटरप्रेट मैनी नेचुरल फिनोमिना इज वर्क तो यहाँ पर एक और हम नेचुरल फिनोमिना पढ़ने वाले हैं वो नेचुरल फिनोमिना है वर्क सो क्लोजली रिलेटेड टू वर्क एंड एनर्जी एंड पावर ये जो चैप्टर है इसमें हम पढ़ेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर सो ऑल लिविंग बिग्स नीड फूड सभी लिविंग बिग्स को खाने की ज़रूरत होती है लिविंग बिग्स हैव अ परफॉर्म सेवरल बेसिक एक्टिविटी लिविंग बिग्स को कई सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी रहती है सर्वाइवल के लिए उन एक्टिविटीज़ को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस क्योंकि वो हमारी लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है सो द एनर्जी फॉर दिस प्रोसेस कम फ्राम द फूड सो उन प्रोसेस में जो अनर्जी लगती है वह एनर्जी हमको मिलती है हमारे खाने से सो वी नीड एनर्जी फॉर अदर एक्टिविटीज लाइक राइटिंग प्लेइ सिंगिंग थिंग जम्पिंग साइक्लिंग एंड रनिंग एक्टिविटीज़ दैट आर सिनोर इज रिक्वायर्ड मोर एनर्जी कुछ ऐसी भी एक्टिविटी होती है जैसे कि सैनोरस जिसमें कुछ ज़्यादा ही एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो एनिमल्स टू गेट इंगेज इन एक्टिविटीज फॉर एक्जाम्पल दे में जम्प और रन एनिमल्स को और भी ज़्यादा एक्टिविटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है उनको जम करने में उनको दौड़ने में दे हैव टू फाइट उन्हें लड़ाई करनी होती है मूव अवे फ्राम एनिमीज एनिमीज से बचना होता है फाइंड फूड एंड फाइंड अ सेफ प्लेस टू लीव ऑल्सो वी इंगेज सम एनिमल टू लिव द वेट हमने देखा है कि कुछ एनिमल सामान को भी लेकर जाते हैं कुछ लोड्स को कैरी करते हैं कुछ कार्ड्स को चलाते हैं और सम एनिमल्स आर यूज टू प्लग द फील्ड खेती बाड़ी में भी कुछ एनिमल्स का काम यूज काम होता है तो ऑल सब <laughs> सच एक्टिविटीज रिक्वायर्ड एनर्जी <laughs> तो, तो इन सब एक्टिविटीज़ में एनिमल्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है हेलो स्टूडेंट्स हैं पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ड्यूटी जर्नल आज हम लोग क्लास नाइन्थ साइंस का एक टॉपिक वर्क एंड नॉट मच वर्क एंड स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ये टॉपिक कवर अप करने वाले हैं सो स्टार्ट करते हैं व्हाट इज वर्क वर्क होता क्या है एंड व्हाट इज द डिफरेंस इन द वे वी यूज इन टर्म वर्क इन डे टू डे लाइफ क्या डिफरेंस वर्क का जो हम हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं एंड वी यूज इट इन साइंस और जो हम साइंस में यूज़ करते हैं यानी यहाँ पर हमें डिफ्रेंस बताना है वर्क में इन द साइंटिफिक लैंग्वेज एंड जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं सो टू मे दिस पॉइंट क्लियर लेट एस कंसिडर्ड ए फ्यू एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल दे रखें यहाँ पर एलेवन पॉइंट वन पॉइंट वन नॉट मच वर्क इन स्पायर ऑफ वर्किंग हार्ट सो कामाली इज़ प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन कामाली अपनी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही है तैयारी कर रही है शी स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम स्टडीज वो अपनी पढ़ाई में बहुत सारा समय कमाती है शी रीड्स बुक किताबें पढ़ती है वो ड्रॉज द डाइग्राम ऑर्गेनाइज ह थ थाट कलेक्ट द क्वेश्चन पेपर अटेंड द क्लासेज डिस्कस द प्रॉब्लम्स विद्रेंड्स एंड परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट्स सो शी स्पेंड अ लॉट ऑफ एनर्जी ऑन दिस एक्टिविटी सो इन एक्टिविटीज़ को करने के लिए उसे बहुत एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है सो इन कॉमन पैल एंड शी इज़ वर्किंग हार्ड अगर हम कॉमन लैंग्वेज में बोले तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो हार्ड वर्क कर रही है ऑल दिस हार्ड हार्डवर्क में इन्वॉल्व मैनी लिटिल वर्क इफ वी गो बाय द साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ वर्क सो ये जो हार्ड वर्क है हार्ड वर्क में कई सारे छोटे छोटे से वर्क होते हैं अगर हम उसकी साइंटिफिक डेफिनेशन देखें तो वर्क कलेक्शन है वर्किंग हार्ड इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट लिटिल वर्क हेलो स्टूडेंट्स हाय हाई पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ड्यूटी चैनल आज हम लोग क्लास नाइन्थ साइंस का एक टॉपिक साइंटिफिक कंसेप्शन ऑफ वर्क पढ़ने वाले हैं कि साइंटिफिक कंसेप्ट क्या है वर्क का

द पेबल मूव थ्रू अ डिस्टेंस अगर हम उसको पुश करेंगे तो वो कुछ डिस्टेंस तक मूव करेगा यू एग्जटेड अ फोर्स ऑफ ऑन द पेबल एंड द पेबल कॉन्ट डिस्प्लेस जब हम उस पेबल के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वो पेबल डिस्प्लेस हो जाएगा उसकी पोजिशन बदल जाएगी सो इन दिस सिचुएशन वर्क इज डॉन्ट तो हमें पता चल जाएगा कि इस सिचुएशन में कुछ वर्क हुआ है नेक्स्ट एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल है अ गर्ल पुल्स अ ट्रॉली एंड द ट्रॉली मूव थ्रूटेंस एक लड़की ने ट्रॉली को पुल किया और ट्रॉली एक डिस्टेंस तक मूव हुई एंड द गर्ल हाज एक्सटेड अ फोर्स ऑन द ट्रॉली और उस लड़की ने इस ट्रॉली पर फोर्स लगाई एंड एट डिस फोर्स लगाने से ये ट्रॉली में डिसमेंट हुआ यानि इसकी पोजिशन चेंज हो गई दे फॉर वर्क इज जन इसका मतलब क्या हुआ कि वर्क हुआ है नेक्स्ट लेफ्ट अ बुक थ्रू अ हाइट अगर हम एक बुक को किसी एक हाइट से फेंकेंगे यू मस्ट अप्लाई फोर्स इसके लिए हमें फोर्स की जरूरत है द बुक राइज अब बुक वापस ऊपर आएगी आप एंड अ फोर्स अप्लाई ऑन द बुक एंड द बुक हैव मूव्ड जैसे ही हम उस पर फोर्स लगाएंगे उस बुक पर तो बुक में मूवमेंट होगा हैज द वर्क इज डन अ अलोजर लुक एट द दबाउ सिचुएशन रिवर्स दैट टू कंडीशन नीड टू बी सेटिस्फाई फॉर द वर्क टू बी डन यहाँ से हमें यह पता चला है कि अगर हम चाहते हैं कि वर्क हो तो उसके लिए हमें यहाँ दो सिचुएशन दे रखी है कि अ फोर्स शुड एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगानी पड़ेगी एंड ऑब्जेक्ट मजब भी डिसप्लेस एंड ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट डिसप्लेसड हो जाए ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हो सो so वर्क को हम कैसे डिफाइन करेंगे जब किसी भी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगे एंड उसमें डिसप्लेसमेंट शो हो इट मीन उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे वर्क हो रहा है हेलो स्टूडेंट्स हाय एक ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ड्यूटी चैनल आज हम लोग क्लास नाइन्थ साइंस का एक टॉपिक वर्क डन बाय अ कॉन्स्टेंट फोर्स पढ़ने वाले हैं सो स्टार्ट करते हैं हाउ इज वर्क डिफाइंड इन साइंस साइंस में हम वर्क को कैसे डिफाइन करते हैं टू अंडरस्टैंड दिस वी हेल्व फर्स्ट कंसिडर द केस वैन द फोर्स इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिस तो इसके लिए हमें एक सिचुएशन को कंसिडर करना है जिसमें कि फोर्स किसी भी डायरेक्शन में लगी सो लेट एस लेट अ कॉन्स्टेंट फोर्स एफ एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट हम कॉन्स्टेंट फोर्स लेंगे एफ जो कि किसी ऑब्जेक्ट पर लगी है लेट द ऑब्जेक्ट भी डिसप्लेस थ्रू अ डिस्टेंस जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट होगा डिस्प्लेसमेंट इज एस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कब होगा एस इन द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स जो फोर्स so, हमने लगाई है सो लेट डब्ल्यू बी द वर्क डन डब्ल्यू हमने वर्क डन को है एंड वी डिफाइन द वर्क टू बीवल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिसमेंट इस तरीके से हम वर्क को डिफाइन कर सकते हैं कि वर्क बी इक्वल वर्क इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जब प्रोडक्ट करेंगे तो वो इक्वल हो जाएगा वर्क के यहाँ फार्मूला दे रखा है वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस सो दिस इज अ बेसिक फार्मूला ऑफ वर्क डन थर्ड्स वर्क डन बा फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स सो वर्क डन जब जब किसी भी फोर्स की वजह से कोई काम होगा किसी भी ऑब्जेक्ट पर तो वो इक्वल होगा उस पर्टिकुलर फोर्स के मैग्नीट्यूड के एंड मल्टीप्लाइड बात द डिस्टेंस मूव एंड हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कि वो कितने डिस्टेंस मूव कर रहे हैं यानी फोर्स में मल्टीप्लाई होगा डिस्टेंस का सो वर्क हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन वर्क में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है डायरेक्शन नहीं होता है सो इन इक्वेशन इफ फोर्स इज इक्वल्स टू वन न्यूटन अगर वन न्यूटन का फोर्स लगाएं डिस्प्लेसमेंट हुआ है वन मीटर देन द वर्क डन बा फोर्स विल बी वन न्यूटन मीटर देन वर्क डन हो जाएगा वन न्यूटन मीटर एंड हेयर द यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर तो इससे यूनिट ऑफ वर्क आ गई है न्यूटन मीटर और न्यूटन मीटर को हम झूल भी बोलते हैं थर्स वन झूल इज अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट वैन अ फोर्स ऑफ वन न्यूटन डिस्प्लेस बाय वन मीटर लॉन्ग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स सो so, वूल एक ऐसा वर्क है जो कि किसी ऑब्जेक्ट पर होगा जब उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगेगी वन न्यूटन की और उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा वन मीटर का अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स उसी फोर्स के एक्शन में सो so, उसे बोलेंगे हम वन जूल ऑफ वर्क सो ये भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है आपकी एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऐसा डिफाइंड वूल ऑफ वर्क हेलो स्टूडेंट्स आई पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल चैनल आज हम लोग क्लास नाइन्थ साइंस का एक टॉपिक एनर्जी पढ़ने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है सो so, स्टार्ट करते हैं लाइफ इज़ इम्पॉसिबल विदाउट एनर्जी एनर्जी के बग़ैर लाइफ पॉसिबल नहीं है सो द डिमांड फॉर एनर्जी इज़ एवर इंक्रीजिंग तो एनर्जी की जो डिमांड है वो हमेशा बढ़ती जा रही है सो वेयर डू वी गेट अनर्जी फ्राम सो हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है द सन इज़ द बिग्गेस्ट नैचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी टू आर सन एक सबसे बड़ा नेचुरल सोर्स है एनर्जी का मैनी ऑफ आर एनर्जी सोर्सेज आर डिराइव फ्रॉम द सन सो हमारे बहुत सारे जो एनर्जी सोर्सेस हैं वो डिराइव हुए हैं सन से वी ऑल्सो गेट द एनर्जी फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ एटम हमें ऐटम की न्यूक्लियाई से भी एनर्जी मिलती है इंटीरियर ऑफ द अर्थ अर्थ के अंडर से भी द टाइट्स एंड कैन यू थिंक ऑफ अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी सो एनर्जी के और दूसरे सोर्सेस क्या होंगे सो इसके लिए लेटेस्ट परफॉर्म एंड एक्टिविटी इलेवन पॉइंट फाइव सो फ्यू सोर्स ऑफ एनर्जी आर लिस्टेड अबोव यहाँ पर कुछ सोर्सेज बता रखे हैं एंड दे आर मैनी अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी लिस्ट है इसके अलावा भी कुछ और सोर्सेज होते हैं एनर्जी के हमें उसकी लिस्ट प्रिपेयर करनी है सो डिस्कस इन ए स्मॉल ग्रुप हाउ सर्टेन सोर्स ऑफ एनर्जी आर ड्यू टू सन सो हमें एक छोटे ग्रुप में डिस्कस करना है कि कैसे सोर्स ऑफ एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है सन की वजह से सो आर दे सोर्स ऑफ एनर्जी वच आर नॉट ड्यू टू सन क्या कोई ऐसे सोर्सेस है कोई ऐसे सोर्सेस ऑफ एनर्जी सोर्से सोर्से है जो कि रिस्पॉन्सिबल नहीं है सन से सो यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कम सेक्शन So the word energy is very often used in our daily life. But in the science we give it a definite and a precious meaning. Precise meaning. So the word energy hai, wo my daily life may be used. And scientific language means precise meaning. Hai. So let us consider the following example. So when a fast moving cricket ball hits a stationary wicket, the wicket is thrown away. अगर कोई फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल एक विकेट को हिट करेगी तो वो विकेट गिर जाएगा सिमिलरली एन ऑब्जेक्ट वैन रेज टू अ सर्टेन हाइट गेट्स अ कैपेबिलिटी टू डू उसी तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट है अगर हम उसको एक हाइट से घेरेंगे एक हाइट से फेंक देंगे तो उसमें कैपेबिलिटी होगी कि वो वर्क शो करेगा ऑब्जेक्ट में मूवमेंट होगा यू मे हैव सीन दैट वट आर राइज हैमर फॉल्स ऑन अ नेल प्लेसड ऑन अ पीस ऑफ वुड इट रेल इन टू द वुड हम लोगों ने देखा है कि एक पर्सन हैमर की वजह से एक कील को वुड के अंदर डाल देता है एंड जब उसको हैमर से रेस्ट करता है तो वो नेल उस पर्टिकुलर वुड के अंदर चली जाती है वी हैव ऑल्सो ऑब्जर्व चिल्ड्रन विंडिंग अ टॉय एंड वेन द टॉयज प्लेसड ऑन द फ्लोर इट्स मूविंग जब कोई टॉय जैसे कि टॉय कार ले तो जब हम उसको फ्लोर पर लग रखेंगे तो वो उसमें मूवमेंट शो होगा वैन अ बलून इज फिल्ड विथ एयर एंड वी प्रेस इट वी नोटिस अ चेंज इन अ शेप अगर सपोज कि कोई बलून लिया जिसमें एयर भरी हुई है और अगर हम उसको प्रेस करेंगे तो हम नोटिस करेंगे कि उसके शेप में चेंजेस आ जाएंगे बलून का शेप चेंज हो जाएगा एज लॉन्ग आज वी प्रेस इट जेंटली इट्स कैन कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप वन द फोर्स इज विन और जैसे ही हम फोर्स हटाएंगे तो वापस वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा सो हाउ वर्क वी प्रेस द बलून हार्ड इट कैन इवन एक्सप्लोर प्रोड्यूसिंग अ ब्लास्टिंग अराउंड ब्लास्टिंग साउंड अगर हम बलून को बहुत हार्ड दबाएंगे तो उसमें से एक ब्लास्टिंग साउंड आएगा सो इन ऑल दिस एग्जाम्पल्स द ऑब्जेक्ट एक्वायर थ्रू द डिफरेंट मीनिंग तो इन सब एग्जाम्पल में जो भी ऑब्जेक्ट है सभी का अलग अलग मीनिंग शो किया है द ऑब्जेक्ट एक्वायर थ्रू द डिफरेंट मिनिंग द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क ऑब्जेक्ट का मीनिंग अलग है ऑब्जेक्ट की कैपेबिलिटी अलग है किसी काम को करने की सैन ऑब्जेक्ट हैव अ कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज सेट टू बी टू पजिस एनर्जी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें किसी काम को करने की कैपेबलिटी होगी इट मीन्स ये कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में एनर्जी है द ऑब्जेक्ट विच डॉट डज द वर्क लॉस एनर्जी एंड द वर्क ऑन विच द वर्क इज डन गेन एनर्जी अगर कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें वर्क लॉस हो रहा हो जिसमें वर्क हो रहा हो तो वह एनर्जी लॉस भी कर सकता है एंड अगर वर्क डन है तो वह एनर्जी को कर, गेन करेगा so it's a concept of work and energy i hope you, this video is clear to you and if you have any query then comment in comment section